अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नौशीन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विंटर स्पेशल टर्किश हलवे की इजी और यम्मी रेसिपी। ये बनाने में जितनी इजी है उतनी ही खाने में मज़ेदार। टर्किश हलवा सर्दियों की स्पेशल डिश है और गल्फ में ज़्यादा खाई जाती है। यह टर्किश हलवा हमने एक नए अंदाज में बनाया है और बड़े मज़े का बना है। इस हलवे में सफ़ेद तिल होते हैं और सफ़ेद तिल में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है और साथ ही इस रेसिपी में पिस्ता भी जाता है, तो ये काफ़ी रिच और हेल्दी बनती है। तो ज़रूर ट्राई करें ये मज़ेदार सी इजी और यमी रेसिपी। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 1.5 कप हमने सफ़ेद तिल का लिया है, 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 1 कप पाउडर शुगर लिया है, शुगर को हमने मिक्सी में पीस लिया था, 1 कप पिस्ता लिया है, उसी में से 2 टेबल स्पून हमने तिल के साथ पीसने के लिए निकाल लिया है, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है, 1/2 पिंच सॉल्ट लिया है। सबसे पहले हम तिल को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। अब हम तिल भी ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तिल को हम लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। मुसलसल चलाना है, ज़रा भी रुकना नहीं है, वरना तिल नीचे से लग जाएंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे रोस्ट होने के लिए। यूँ ही चलाते चलाते हम इसे रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है और ज़्यादा स्लो भी नहीं रखना है, बस मीडियम गैस पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। 2-4 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। तिलों में अच्छा सा कलर भी आ गया है और खुशबू भी रिलीज़ हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तिल हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे एक फ्रूट प्रोसेसर में पीस लेंगे। आप चाहे तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। हमने तिल को अच्छे से पीस लिया है, बिल्कुल बारीक सा पीसा है हमने, ये देखिए। अब हम 2 टेबल स्पून के करीब पिस्ता भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से पीस लेंगे। हमने तिल में पिस्ता फ्लेवर के लिए डाला था, क्योंकि इस हलवे में पिस्ते का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। हमने इसे बारीक सा पीस लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। हमने सारा मिक्सचर निकाल लिया है बाउल में। अब हम हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे लम्स हम तोड़ लेंगे। अब हम 1 कप पाउडर शुगर भी ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा मिक्स करना है हमें। नेक्स्ट हम नीडो मिल्क पाउडर भी ऐड कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से। अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब हम 1/2 पिंच ऑफ सॉल्ट और 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हमारा बाइंडिंग एजेंट भी इसमें ऐड कर लेंगे। हमने 5 टेबल स्पून ऑयल लिया है। यूँ तो सभी क्रिएटर तिल पीसते हुए ऑयल ऐड कर लेते हैं और इसकी टाहिनी बना लेते हैं, पर हमने कुछ अलग ट्राई करने का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका भी बहुत सक्सेसफुल हो गया। अब हम सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे। हमें मिक्सचर को तब तक मिक्स करना है जब तक कि मिक्सचर की अच्छे से मुट्ठी ना बनने लगे। इस तरह जब मुट्ठी बन जाए तो हमारा मिक्सचर सेट होने के लिए रेडी है। और 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। यह हलवा कई नामों से जाना जाता है। कोई कहता है अमीरा हलवा, कोई कहता है ताहिनी हलवा और कोई कहता है टर्किश हलवा। हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस और यूनिक टेक्निक से हम ये टर्किश हलवा रेडी कर लेंगे। हम एक सर्विंग ट्रे में हलवा निकाल लेंगे। हमने सर्विंग ट्रे में क्लीन रैप सेट कर लिया है। अब सारा हलवा हम सर्विंग ट्रे में सेट कर लेंगे।
अच्छे से सेट करना है हमें। सबसे पहले हम पिस्ता सेट कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये हलवा थोड़ा बजट फ्रेंडली बनाना है तो पिस्ता स्किप कीजिएगा, ये सिंपल भी बहुत मज़ेदार लगता है। हम थोड़े से रिच बना रहे हैं तो पिस्ता ज़रा ज़्यादा यूज़ किया है, वरना ये सिंपल भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम हलवे का मिक्सचर भी ट्रे में सेट कर लेंगे। अच्छे से हम इसे बिछा देंगे सारे ट्रे में। हलवे का आधा मिक्सचर हम ट्रे में बिछा देंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और फिर हाथों से अच्छे से इसे दबा दबा के सेट कर लेंगे। इस तरह हमें दबा दबा कर सेट करना है। आप देखिएगा हम किस तरह इसे सेट करते हैं। आप हाथ की जगह किसी स्पैचुला या कटोरी से भी इसे सेट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बस अच्छे से प्रेशर देकर इसे सेट करना है ताकि हमारा हलवा अच्छे से सेट हो जाए। अब हम ऊपर से थोड़े पिस्ते भी सेट कर लेंगे। इसके बाद बचा हुआ हमारा हलवे का मिक्सचर भी ऊपर सेट कर लेंगे और इसे भी अच्छे से दबा लेंगे। बिस्मिल्लाह, पूरे ट्रे में हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। सारा मिक्सचर हम डाल देंगे और अच्छे से दबा दबा के सेट कर लेंगे। हमने हलवे को अच्छे से सेट कर लिया है, अच्छे से दबा दबा कर हमने इसे सेट कर लिया है। अब हम ऊपर से पिस्ते भी थोड़े छिड़क देंगे। बाकी बचे हुए सारे पिस्ते हम डाल देंगे और इसे भी अच्छे से दबा लेंगे। हमने पिस्ते को अच्छे से सेट कर लिया है प्रेशर देते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मज़ेदार सा टर्किश हलवा सेट होने के लिए रेडी है। अब हम इसे क्लीन रैप से रैप कर लेंगे और इसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने क्लीन रैप कर लिया है, अब मिलते हैं अगली सुबह इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, ओवरनाइट हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा टर्किश हलवा सेट हुआ है या नहीं। अब हम क्लीन रैप की मदद से हलवे को बाहर निकाल लेंगे। अब हम एक प्लेट की मदद से हलवे को प्लेट में पलट देंगे, इजीली निकल जाएगा। इस तरीके से हम हलवा हमारा निकाल लेंगे। अब हम इसे कट करके दिखाते हैं कि कितना यम्मी और मज़ेदार सा बना है हमारा टर्किश हलवा। बिस्मिल्लाह, इसी तरह हम सारे हलवे को कट कर लेंगे। माशाल्लाह, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है बच्चों के तो। बहुत ही मज़ेदार बना है हमारा टर्किश हलवा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा टर्किश हलवा सर्विंग के लिए रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितना यम्मी बना है। उठाने पर आपको दिख रहा होगा कि माशाल्लाह कितना यम्मी बना है। इसी तरह हम सारे पीसेस को निकाल लेंगे। टर्किश हलवे को सर्व करते हुए हमें आपसे एक छोटी सी बात कहनी है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियोस को फुल वॉच करें और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। बस इतना ही कहना है आपसे। उम्मीद है कि आप हमें फुल सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो बताइए फ्रेंड्स, हमारे विंटर स्पेशल टर्किश हलवे की यम्मी और यूनिक सी रेसिपी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।